देखिए, पुलिस ने अभी सुरक्षा मुहैया करवाई है, लेकिन अभी भी हमारे पूरे परिवार के लिए सुरक्षा ये पर्याप्त नहीं है। और जो लोग साजिश करते आए हैं और साजिश में हिस्सा हैं, हमने उनके नाम अपने बयान में दर्ज करवाए हैं। हम चाहेंगे पुलिस जल्द से जल्दी उनको अरेस्ट करे और सारे सच्चाई को जनता के और हमारे सामने लाए, ताकि ये मामला जनता को, लोगों को पता लगे कि भी कौन कौन इस कौन कार्ड में लोग हैं शामिल है। साजिश में शामिल और क्या उनका रोल रहा होगा? देखिए, साजिश करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने मेरे और मेरे पिताजी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। कुछ तो नाम FIR में जो मेरे बुआ के लड़के हैं संजय, उन्होंने बता दिए थे, राकेश ने, कुछ जिनके ऊपर हमें शक था कि भी ये लोग भी शामिल हैं। कौन कौन? संदीप राठी, विजेंद्र राठी का लड़का, जो कि पूर्व चेयरमैन विजेंद्र राठी की वाइफ थी, विजेंद्र राठी, और पालेराम शर्मा, जो भाजपा का वाइस चेयरमैन है नगर परिषद से। ये लोग बहुत षड्यंत्र रचते थे मेरे पिताजी के खिलाफ, और इनके काफ़ी सबूत भी हमारे पास। हर जगह जहाँ पे भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये लोग शामिल थे उसमें। और हर बार ये इन लोगों की बातें भी आती थी कि भाई इस न मार लो सब कुछ काबू में आ जाएगा, तो नफे सिंह न मार लो सब कुछ काबू में आ जाएगा। हमेशा ये लोग यही बातें करते थे, और यही लोग हो सकते हैं साजिश करने में। देखिए, मेरे पिताजी हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते थे, और समाज में जो भी कुरीतियां होती थी उसमें आवाज उठाते थे। और समाज में सरकार इनकी है, और इससे पहले की कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, तो यही लोग थे जिनके खिलाफ आवाज उठती थी। तो लेकिन जाहिर सी बात है, इनको तकलीफ थी इस बात। जमीन का किससे विवाद था? जमीन का विवाद हमारे प्लॉट के ऊपर कब्जा रमेश राठी, करमबीर राठी और कमल राठी ने इन्होंने किया था, जो कि सरोज राठी जो चेयरपर्सन है भाजपा की, वो है उनके परिवार के। तो ये हमारे ऊपर मुकदमे डाल रहे थे, बार बार हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि इसने प्लॉट ने छोड़ देनी तो तुम न मरवा देंगे। तो वही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे आपके? गौरव राठी ने और सतीश ने और रमेश ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए उत्तर प्रदेश में, जो कि संजीव बाल्याण की शह पे दर्ज हुए। 5 जनवरी को दर्ज हुए थे ये मुकदमे, जो कि पिछले 10 दिन पहले कैंसिल भी कर दिए गए हैं। और SP ने लिखा है कि ये सारे मुकदमे झूठे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए कि भी नफे सिंह उस मामले में दबाव में आ जाए और समझौता कर ले, इसलिए लिखे गए हैं। और सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, आज हमने हाई कोर्ट में वो सारे सबूत पेश करने थे, उससे पहले ही हमारे पिताजी की हत्या करवा दी गई। हमारा किसी गैंग से कोई कोई भी मतभेद नहीं है, किसी के साथ हमारे कोई राजनीतिक लड़ाई तो है, हमारी कोई गैंगवारी नहीं। यही लोग हैं, इन्हीं लोगों में से जो भी पुलिस तफ्तीश करेगी, सच्चाई सामने लाएगी, तो सब सच सामने आ जाएगा, और इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई इस मामले का मास्टरमाइंड मिलेगा। अगर एक बार भी आप पुलिस ढंग से जांच करे, CBI जांच करे, तो इन लोगों से को ही अरेस्ट करे सबसे पहले, इनके अरेस्ट होते ही सारा मामला खुल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल बिल्कुल है, और इन्हीं लोगों में से पैसे का भी लेन देन हुआ होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गिरोह है ये। इन्होंने पहले ही बहादुरगढ़ को लूट लूट के खाया है, और मेरे पिताजी ने इन्हीं के खिलाफ कोर्ट में दावे भी डाल रखे हैं कि भी कुंदन सिनेमा की जमीन भी इन्होंने कब्जाई थी, जिसमें कि अभी भी इनको नोटिस कंटेम्प्ट के जारी हो रखे थे। ये वही लोग हैं जो सारा का सारा गिरोह जो था उस टाइम पे, वही गिरोह अब सक्रिय है। तो हमारी यही मांग है कि भी इनको जल्द से जल्दी अरेस्ट करके और पुलिस अपनी तफ्तीश करे और सच्चाई को सामने लाए।